नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज। जाने क्या है आज की ताजा खबर। लेफ्टिनेंट जनरल सीबन सी पोनप्पा ने आज थल सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीराबन सी पोनप्पा ने आज भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है। उनके नए पद ग्रहण की जानकारी भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी। पोस्ट में लिखा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल को प्रतिष्ठित ब्रिट सेना की कमान संभालने का गौरव प्राप्त है। आपको बता दें कि 2012 में पोनप्पा को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के हिस्से के रूप में गोमा भेजा गया था। उन्हें मोनास्को नॉर्थ कीवी ब्रिगेड और ब्रिगेडियर जनरल का कमांडर भी नियुक्त किया जा चुका है। यही नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोनप्पा ने ब्राजील में लेफ्टिनेंट जनरल कार्लोस एल्बर्टो डॉस सेंटोस के साथ भी काम किया है। साथ ही मार्च 2013 में वह भारत के लेफ्टिनेंट जनरल चंद्र प्रकाश के बाद मोनास्को के फोर्स कमांडर बने थे। लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोनप्पा ने अपने जीवन में ढेरों कीर्तिमान रचे हैं, साथ ही उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। धन्यवाद।